ये वो लोग जिनको ग्रेजुएशन की प्रॉब्लम है वो बार बार पूछ रहे हैं कि इसकी क्लैरिफिकेशन क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मार्क्स बिलो 50% एट ग्रेजुएट लेवल डज नॉट फॉल इन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो ये सीधा लिखा है आपके क्वेश्चन क्या हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी से हैं जहाँ जिनको 5% की रिलैक्सेशन जनरली दी जाती है, क्या उनका 45% है या नहीं। सीधा आंसर ये है कि डायरेक्टली इन्होंने क्लियर नहीं किया। मैं आपको सिचुएशन क्लियर कर देता हूँ। ऐसी सिचुएशन राजस्थान में भी रिक्रूटमेंट में के दौरान ऐसी आई थी, वहाँ प्रेशर ग्रुप ने स्टेट गवर्नमेंट से 45 करवा लिया था। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। दूसरी है कि इसके लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 क्या कहती है उसको हम देख सकते हैं। शायद पहले भी ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको। ए मिनिमम 55% मार्क्स एट मास्टर लेवल शेल बी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर इक्वलेंट कैडर एट एनी लेवल। ठीक है, तो ये मास्टर लेवल की बात की गई है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको। थोड़ा, ये ठीक है, इधर हो गया थोड़ा सा। ओके, ये ठीक है, थोड़ा इसको ये कर लेते हैं। चल जा भाई, क्यों नहीं चल रहा। ओके, ये बात समझ लेनी है कि ये जो 5% की रिलैक्सेशन दी गई है ये वहाँ वहाँ ऊपर लिखा हुआ है मास्टर लेवल, लेकिन सिर्फ एक ये शब्द यहाँ है जो बैचलर्स एज वेल एज मास्टर लेवल का ये पैरा मिलता है रेगुलेशन 2018 में। तो यहाँ क्या लिखा है, रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउड एट बैचलर्स एज वेल एज मास्टर लेवल ऑफ फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, ब्लाइंडलेस एंड लो विजन, डेफ एंड हार्ड हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ओके, तो ये डिसेबिलिटी सारी गिनाई हुई हैं। ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, और इसमें है डेफ ब्लाइंडनेस है। तो इन कैटेगरी को रिलैक्सेशन ऑफ 5% और टू द कैटेगरी मेंशन्ड अबव ये दी गई है। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि ये 55 से 5 कह रहे हैं, 5% देगी, 50 बन गया। तो 50 तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन राजस्थान का मामला जब देखते हैं तो 45 पर जा रहा है। ये भी मुझे डायरेक्ट किसी अथॉरिटी से नहीं इन्फॉर्मेशन मिली, जो कैंडिडेट राजस्थान के थे उन्होंने जो अप्लाई किया है तो उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक, तो आपके लिए सुजेशन क्या है, अगर फॉर्म जब आप सॉफ्ट कॉपी जिनके 45 जब 50 से 45 के बीच आ रहे हैं मार्क्स, उनके लिए ये है कि वो अगर आपका फॉर्म जो 45% मार्क्स वो पिक करता है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक, आपको एक चांस तो मिल रहा है ना टेस्ट देने का है, तो बाद में क्लैरिटी होती है जब वेरिफिकेशन होती है तो वो तब पता चलेगा। अभी तक इसकी जानकारी इतनी ही है कि ये 50% इस जो 3.4 पॉइंट है रेगुलेशन 2018 के अनुसार, और इससे कम रिलैक्सेशन आपके लिए 45% है इन कैटेगरी के लिए नहीं, ये अभी तक वेग बना है। हाँ, पर मुझे एक फॉर्म मुझे नाम नहीं याद उनका, उनका 45 पर वो कहते हमारा पिक हो गया था। मैंने उनको कहा कि आप फिल कर दो। ठीक है, तो आपके जितने मार्क्स हैं आपने तो उतने फिल किए हुए हैं, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे। आप वहाँ जाके नॉट एलिजिबल बाद में होते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कुछ हम लर्न करते हैं, हम अदे कंपैरिजन देखते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा, हम इन दिनों में लर्न करेंगे, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जोर लगाओगे आप इन दिनों में, तो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं जो पेपर कैसे देना, बहुत कुछ हम सीखते हैं। सो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो 45 से 50 के बीच में, तो आपका पिक कर रहा है सॉफ्ट कॉपी फॉर्म ऑनलाइन, तो आप प्लीज़ उसको फिल कर दीजिए। थैंक यू।